एंड एक्शन। आप सभी लोगों को इतने व्लॉग से मैं जो स्टोरी के लिए इंतजार करा रहा था, फयाज की जो चश्मों की स्टोरी है, वो आज हम लोग रिवील करने वाले हैं। कंपलसरी उससे जान जाती, नॉर्मल भोके जैसा नहीं था ना, पकड़ के ऐसा चुभा जैसा, रिब्स में ऐसा भोके तो नहीं जाती। Hey guys, what's up? अभी फिलहाल जो है डायलॉग राइटिंग कर रहे, तकरीबन अब तक एक 35% काम हुआ और 65% बचे हुआ है। तो आज मैं और आमिर भाई जो है टारगेट बना के बैठे, एक 50% काम अपन आज कैसा भी खत्म करेंगे। सो और एक 50% अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर ले सकते, बल्कि हम लोग बैठ के अभी फिलहाल लिख रहे बड़ा 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 बड़ा। और कल हमारे को भी एक काम है, कल हैदराबाद में एक शूट है लावण्या त्रिपाठी के साथ, उधर भी जाना है। तो मैक्सी आज खत्म करके अपन हैदराबाद को कल गए, तो फिर वापस से और 50% जो बचा कुचा काम रहता वो अपन परसों से फिर शुरू कर सकते हैं। बट बकरीद भी आ रही, देखना अब क्या होता कि ईद उल अदा मुबारक हो एडवांस में सभी लोगों को। ये वीडियो बकरीद के दिन आ सकता है या बकरीद के बाद के दिन भी आ सकता, और यही अपडेट्स है अभी फिलहाल के लिए। काम कर रहे, काम पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। और ये हमारे साथ आमिर भाई भी। हेलो। स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, तारीफ के काबिल तो नबील भाई कभी भी रहते, बट उनका जो इंटरेस्ट है वे ऑफ राइटिंग में और वे ऑफ एक्टिंग में सुपर। फिल्म के बारे में ओपिनियन क्या है आपका? क्राइम थ्रिलर, हर 5 मिनट्स में आप एक्साइटिंग फील होते हैं। और ये मल्टीलिंगुअल है, तेलुगु और हिंदी दो लैंग्वेजेस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो भी अपडेट है, कुछ अपडेट जो आप लोगों को खुश कर सके वो सब देता हूं मैं, बिकॉज अब ज्यादा कुछ भी बोल लियो मैं फिर नजर लग गई। आई होप कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो। आप सब लोग माशाल्लाह भी बोलो कमेंट्स में, और दुआ भी करिए हमारा प्रोजेक्ट ये खत्म होना सक्सेसफुली। बोल के थोड़ी देर के बाद मिलता हूं आप लोगों को। रात के बज रहे 12:10, 2 बजे से या 2-3 बजे से लिख रहे हम लोग, और अब करीबन 10 बजे तक लिखे। 70% काम फिल्म का जो है हो गया और 30% बचा कुचा है, और मैं सूरत से टायर्ड दिख रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। अपनी क्लियर स्किन किसको नहीं पसंद, बोलो। हर किसी को अपनी अपनी क्लियर स्किन पसंद है। एक छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, एक्नी और पिंपल्स, उसका सॉल्यूशन ये है मामाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है नीम है, टी ट्री है और एलोवेरा है। नीम जो है स्किन को प्यूरिफाई करता, डर्ट, क्लॉग्ड स्किन पोर्स और अदर इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता। टी ट्री इज यूज टू ट्रीट स्किन कंडीशन लाइक एक्नी, एक्सेसिव ड्राइनेस एंड रेडनेस, एंड प्रमोट्स ग्लोइंग स्किन। इसके फायदे क्या है? फेस पे के एक्सेस ऑयल को रिमूव करता, एंटी बैक्टीरियल है, एक्ने और पिंपल ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करता, स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता। इसको कैसा यूज करना बोले तो, सबसे पहले अपना चेहरा वेट कर लेना, कॉइन साइज में ले लेके अपने फेस पे लगा के एंटी क्लॉक मोशन में जो है मसाज करना, अप्लाई कर लेके मुंह धो लेना, फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड पैराबेंस। टीटी फेस वॉश में सिर्फ 100 ml नहीं, अब तो 250 ml भी अवेलेबल है। एज यू ऑल नो, मामास ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड, गुडनेस डजंट जस्ट लाइन द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो द वैल्यूज दे स्टैंड फॉर। व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम देम, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट थ्रू अटरी द डे प्लान। मामाअर्थ का ऐप लॉन्च हुआ iOS पे, एंड्रॉइड पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ऐप यूजर्स को अर्ली एक्सेस मिलती सेल्स पे और अच्छे डिस्काउंट्स भी। मामाअर्थ के वेबसाइट या ऐप से खरीदे तो यूज माई कूपन कोड Nabeel2022 टू गेट 20% ऑफ डिस्काउंट। Hey guys, assalamu alaikum, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल हम लोग जो है विवेरा पे है, मेरे साथ रेहान है, रेहान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और सोनू है, बबलू। कैसे है बबलू, क्या कर रहे हैं बेटा? हैदराबाद जाता हूँ। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा सुनता बच्चा, बात सुनता। हमारे सोनू भैया, सोनू भैया यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ यहाँ फयाज भाई है। और मैं लास्ट व्लॉग में जो है फयाज के चश्मों की स्टोरी बोलना भूल गया, इंशाल्लाह ये व्लॉग में बोलता हूँ मैं। फयाज की स्टोरी जो है सोनू भाई नरेट करेंगे, वो सोनू भाई जो है अच्छा नरेट करते थोड़ा। और अभी हम लोग जो है प्रमोशनल शूट के लिए यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं, जुबली हिल्स को जा रहे हैं हम लोग। एक मूवी के प्रमोशन का वीडियो है, तो जाके जो है हीरोइन जो है 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा ही रहने वाली है। लावण्या त्रिपाठी हैप्पी बर्थडे मूवी आने वाला है, तो उसका प्रमोशन करने जा रहे, वीडियो बनाने जा रहे, तो हम लोग पूरी टीम जा रहे हैदराबाद। जाके अपन जो है वीडियो बना के शाम तक वापस आ जाना है। 1-2 सीन्स हम लोग वारंगल में शूट करेंगे, शूट कर देगी जो एडिट करके अपलोड कर देना है। तो ये है अपडेट। अब हम लोग जो है विवेरा में पूरी टीम है, मैं, रेहान, फयाज, शर्जिल, सोनू भाई, फरदीन, समीर, हम लोग है 2 कारों में आए हम लोग, यहाँ तक तो पहुंच गए। सुबह 7 बजे निकलने का प्लान था, बट हम लोग जो है 9 बजे निकले, 9:10 या 9:20 को। आई होप ऐसी जगह हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच गए, जल्दी जल्दी शूट कर लेके निकल भी सकते। 1 सेकंड, आपको सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चश्मे कौन सी कंपनी के है? अरमानी एक्सचेंज। अरमानी एक्सचेंज के चश्मे है, देख लो आप लोग, स्टोरी आप लोगों को
बोलता हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी है। ये हमारे साथ बॉलीवुड के हीरो आदित्य रॉय कपूर मौजूद है, इधर हमारा फरदीन जो है हमारे साथ है, बहुत जबरदस्त दिख रहे हम लोग। क्या आज बोल के पहने या क्या नहीं मालूम, इन्हें भी व्हाइट पहना, भाई भी व्हाइट पहना, रेहान भी व्हाइट पहना, इधर देखा तो हमारे अनवर भाई भी व्हाइट पहने माशाल्लाह से, व्हाइट पहना। हाँ, हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को यहाँ पे मिले विवेरा में। आप किधर जा रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद जा रहा हूँ, हमारा भाई ऑलवेज रॉक्स नबील अफरीदी। नाइस टू मीट यू, इंशाल्लाह कभी आराम से मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए और हमारा जो है इक्विपमेंट अपन जो है कार से निकाल लिए और हम लोग यहाँ पे आते कि हमारे हुसैन भाई मेरे। हुसैन भाई हेलो, हाय, कैसे है, कब आए भाई? 11:45। तो ये कॉन्सेप्ट का आइडिया हमारे आमिर भाई दिए थे और आमिर भाई दे के जो है इनको जो है दिए तो इन्होंने मस्त डेवलप करके क्राक लिख के फेंके। तो हुसैन भाई जो है हमारे को डायरेक्ट करने वाले, अपन डायलॉग्स थोड़ा चेंज वेंज करके शूट करने वाले। गुड टू सी यू हियर, ऑल्सो वी हैव ऑल आवर टीम हियर। तो ये है जहाँ पे हम लोग शूट करने आए जगह, ये इस बिल्डिंग को मैं परसों आया था, ये मैत्री मूवी मेकर्स की ऑफिस है। परसों मैं ऑडिशन देने के लिए आया था। एक सरजिल भाई क्या बोले, एक बार मैप चेक कर, फिर तू पुराना मैप आप खोला, क्या बोले तो नहीं नहीं ये मैत्री मूवी मेकर्स की ऑफिस है, यहीं पे अपने को शूट करना है बोल के बोले। बहुत बात कर लिया, अभी ऊपर जाके अपन जो है सेटअप को जमा के करके हमारे जो जो भी पार्ट्स है हम लोग जो शूट करने वाले हमारे वो शूट करेंगे और उसके बाद जो है तभी भी लावण्या उन्हों आते हैं, उसके बाद अपन उनका पार्ट शूट कर लेके खत्म करके निकल सकते हैं यहाँ से। This is the script and we have shoot in half an hour. All the best. मेरे को नींद आई थोड़ा सा करता हूँ। अभी अभी हीरोइन जो फीमेल लीड है हैप्पी वेदर फिल्म की लावण्या उन्होंने जो है आए, हम लोग ठहरे हुए हैं एक बार स्क्रिप्ट जो है पढ़ के करके। हम लोग यहाँ पे हमारे शॉट शूट करने वाले नहीं है, सिर्फ उनके करने वाले हैं बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम, क्योंकि और यहाँ पे लोकेशन भी अपने को लाइटिंग वगैरह साथ नहीं दे रहा और कुछ प्रॉपर्टीज होना था हमारे पास भी थे वो, बट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते समझ के नहीं लाए। तो हम लोग जो है वो सब चीज़ें, मतलब जो जो भी चीज़ें हमारे सीन्स जो है वो हम लोग वारंगल में शूट करने वाले। अब खाली ये वीडियो में देखो चीटिंग बोले तो ऐसी करना बोलना कि हम लोग यहाँ बना के फिर वहाँ बना के यही बनाए जैसा दिखा था, समझ रहे ना? स्कूल से चीट कर लेते आते हैं ये कितना। डायलॉग्स वायलॉग्स जो है हमारे शर्जिल भाई चेंज कर रहे हैं, बाकी प्रॉम्प्टिंग देके शूट करना है। तो लावण्या का इंट्रो पार्ट शूट करना है, लास्ट का क्लाइमैक्स पार्ट शूट करना है, आउट्रो शूट करना है। हीरो दिख रहे बोल, हीरो माशाल्लाह। तो फयाज की स्टोरी मैं सुन लिया, आपको एक्सप्लेन करूंगा जाते जब थोड़ा। हैव फन, यू नो कन्वर्सेशन बोलते हैं आप उस हिसाब से एक्सप्रेशन दीजिए। फ्रेंड जो है यदि पक्का चेस ना बोल के मैसेज करें, उन्हें मैसेज करना जो है मुँह से बोलता आप हाँ बोल रहे, फिर श्योर अबाउट दिस फ्रेंड बोल रहा आईना इन दुख चेस्ट, आप एक यूं यूं करके जिप भेज के थोड़ा स्माइल दीजिए। आपके घर को एक कुरियर आया देखो उसमें एक गन है, आप बेफिक्र रहिए मैडम बोल के बोल देता हूँ, कट खत्म एक्शन। क्या करना मैडम? ऑलराइट गाइस, तो फाइनली शूट हो गई हमारे पास, 2:30 से 3:30 तक का टाइम था। वी स्टार्टेड एट 2:45 या 2:50, तकरीबन 3 बजे के आसपास शुरू करे और आधे घंटे में 3:30 तक हम लोग जो है आउटरो भी शूट कर लिए, अंदर के जो डायलॉग पार्ट था वो भी शूट कर लिए, सिर्फ वो लावण्या का शूट करे हम लोग। हमारा जो है हम लोग वारंगल में शूट करने वाले हैं, करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडिट करके हम लोग जो है अपलोड करने वाले हैं। तो दिस इज फर्स्ट टाइम, मतलब हम लोग ऐसा मूवी प्रमोशन जैसा वीडियो बनाना, फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ काम करना, समझ रहे आप, कि मतलब
एक हीरो इनके साथ अपन काम करे एंड ऑल, मतलब ये जो चीज चल रही है जो प्रोसेस है ये बिल्कुल नहीं है। बट हम लोग चिल एकदम आराम से ठंडा रह के अच्छा शूट करे, वीडियो अच्छा बना। हम लोग अभी बाकी की जो शूट कल या परसों में वारंगल में करने वाले हैं उसमें और एंटरटेनिंग बनने वाला है वीडियो। और अभी फिलहाल यहाँ पे शर्जिल भाई, रेहान, सोनू सब लोग रील्स बना रहे। तो एक्चुअली हमारे लावण्या के साथ भी रील्स प्लान थे बट वो हुए नहीं। मौसम बहुत प्यारा है, हम लोग जब शूट कर रहे थे जब भी बारिश भी हो रही थी। तो ये अपडेट हैदराबाद की। अभी हम लोग जो है यहाँ पे सामान भी पैक कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये लोग रील्स बना रहे, अपन देखेंगे और इसके बाद में जो है लंच करेंगे साथ में। चलो आप लोग अभी वहाँ से अपन जो है घर को जाएंगे, अभी के लिए फिलहाल यहाँ जाएंगे। चलो भी हम लोग फिलहाल दीक्षा रेस्टोरेंट पे है, बिल्कुल थक गया हुआ है, हालत पूरी टाइट टाइट हो गई। और अभी हम लोग जो है रेहान लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लोग दूसरी कार में है तो पीछे आ रहे, लोग थोड़ा हल्लू आ रहे और लोग आते ही ऑर्डर देके खाने बैठेंगे। मैं तो कंट्रोल कर ले सकता हूँ बट सोनू जो है बिल्कुल भूखा है इंसान, तो सबसे ज्यादा भूखा सोनू है, सोनू शाहनवाज। आप सभी लोगों को इतने व्लॉग से मैं जो स्टोरी के लिए इंतजार करा रहा था, फयाज की जो चश्मों की स्टोरी है वो आज हम लोग रिवील करने वाले हैं। हमारे सामने सोनू सेठ बैठे हुए हैं, तो फयाज की स्टोरी जो है सोनू भाई नरेट करने वाले हैं। सोनू भाई तो बताइए आप फयाज की कहानी। तो आज से 2 साल पहले जब फयाज भाई यूएस से रिटर्न हो रहे थे इंडिया, तो 1-2 दिन पहले सोचे कुछ नॉर्मल शॉपिंग कर लेंगे, बल्कि एक आइनोकों की शॉप में घुसे। कौन सी दुकान थी वो? अरमानी एक्सचेंज। अरमानी एक्सचेंज ऐसा अंदर घुसते उनको दिखी एक बच्ची, गोरी गुमटी, चांद का टुकड़ा देखे और दिल धड़धड़ मार लेना। बहुत तेज हो रहा है। चीते कपड़े मिले गए थे उन्हें, चीते कपड़े, बड़े बड़े हील्स डाल लेके तंत्र गिरा के था, दिल मार ले रहा। जाके पूछेंगे बोल के जाके ऐनक पूछे, ये ऐनक लेने का आया बोले तो एक 3-4 ऐनक का लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ बोले तो वो बच्ची आके इनको एक चश्मा दी, वो हमारे फयाज भाई लगाते पहले दिल मार ले रहा फयाज भाई का, उसको देखे जब से ऐनक ला ए हैंडसम बोल के उन बोल दी। हे यू लुक हैंडसम बोली कहते इन दिस गॉक्स। वो आंखों के नशे में खो गए भाई, ना बिल पूछे ना कुछ पूछे, सीधा दिल पूछ लिया उन्होंने। और उन्हें क्या बोली कहते मालूम? सिर्फ 40% डिस्काउंट मिलता बोले तो फयाज भाई खुश हो गए। हाँ, अब वो मैक्सिमम 15,000 का होगा, अब बहुत से बहुत एक 10,000 में आ जाती होंगी वो कोई भी चीज बोल के समझे। और इंडिया के अच्छे दिखते मेरे को बच्चे, ये वो नहीं करते, जो दिखाए वो ले लेते, बार्गेनिंग नहीं करते, उसमें और जरा खुश हो गए। लास्ट में निकाल के चिट्ठी दी, बिल भी नहीं पूछे ना हमारे से, कहीं बोले तो दिल मार ले रहा था, खुशी थी अलग। वो चीते के कपड़ों में खुश हो गए नो, ऐसा बिल निकाल के दिए तो उसमें बिल थी 40,000 की बिल थी। एक्चुअली कितने की $100 का है वो 800-900, उसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट? 40% 40% डिस्काउंट करे तो 39,500 का ग्लासेस में। अब वो नहीं बोल के भी नहीं बोल सकते उसकी खुशी में, ले लिए बाहर निकल गए। 2 साल से वो चश्मे लगा रहे हैं उन्होंने। खत्म, बाय बाय। अगर वो 39,500 में कने रहे तो उसका बिजनेस करता था मैं, 100 रुपए में एक ग्लास। 50,000 लगा के भी लाया हूँ, 70,000 काम ही नहीं गए मेरे। तो जब से हमारे फयाज भाई जो है वो आईनों को छोड़ते ही नहीं भाई, हमेशा वो आईने लगा कहाँ दिखा दिखा भाई दिखा अंदर कार, अंदर कार में हमेशा। 2 साल से भाई इन जितने पैसे वो चश्मों को लगाया उतने पैसों को जस्टिस कर रहा, जिधर भी जाओ चश्मे, रात में भी चश्मे ऐसा सर पे रहते मगर चश्मे तो रहते। वैसा जो है हमारे फयाज भाई की स्टोरी एंड होती हुई, पाप चश्मे खरीद लिया भाई, एक अचीवमेंट है बच्चे का हमारे, 50,000 रुपए का चश्मा पहना है, लाइट है यार कुछ भी नहीं है हमारे फयाज भाई। वो आंखों में आंखा डाल के उन जो जादू करी पिघल गए, ऐसे वैसे जगह नहीं पिघलते, खाली उन डाल के हैंडसम बोलते यहाँ मैं पिघल गया। जब से मैं बच्चों के नाम को नहीं जाना, नहीं उसके बाद में भी यूएस में था मगर वो दुकान को नहीं गया, नहीं तो वैसा। तो इसीलिए आप देखो मेरे व्लॉग्स में भी हमेशा इन्हें चश्मे पहन लेके रहता है, या चश्मे यहाँ लगे हुए थे सर पे लगे हुए रहते। तो ये है फयाज भाई की चश्मों की स्टोरी। अभी हम लोग सबला भूखे बैठे हुए हैं, खाना आया था कुछ भी बात कर लेते बैठेंगे, बोल के बात भी हो गई मगर खाना नहीं आया। सबसे ज्यादा भूखे इन्होंने देखो क्योंकि इन्होंने खाए भी नहीं खाना, दो इडली दो वड़े खाए। ये है सिक्स चिकन, हमारा फयाज जो है साइंड ऑफ चेफ है बट आज तक कुछ भी बना के नहीं खिला, मतलब परसों की बिरयानी छोड़ के बनाएंगे। मैं ईद के दिन एक आइटम बना रहा हूँ। ईद पे क्या बनाने वाले हैं? सेमिया सुना था। ईद पे आके हम आपके घर पे खाएंगे जाएंगे, लाइक डेजर्ट केक के टाइप बन जाता हो। ये हमारे भाई
भाई का नाम अमित सिंह। अमित सिंह भाई है, बहुत अच्छी बॉडी है भाई की और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत टाइम हो रहा हम लोग पहली बार जब आए थे, भाई की सर्विस भी बहुत 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 अच्छी रहती है। हम लोग आते कि जो है एक अलग तरीके की सर्विस देते हैं और भाई को हम लोग मिस करने वाले इसीलिए कि भाई जो है थाईलैंड जा रहे हैं कुछ दिनों में और ये हमारे फेवरेट कस्टमर हैं। मैं जब भी इनको देखता हूँ बहुत खुश होता हूँ। बहुत अच्छे टीम है और इनका कॉमेडी जो है मैं हमेशा देखते रहता हूँ। आप वैसे कहाँ से देख रहे हैं वीडियो बताइए? मैं जब दिल्ली में था तब से देख रहा हूँ, बहुत पहले से, बहुत पहले से। इवन जब कंबोडिया में था वहाँ से भी देखता हूँ। कंबोडिया में मतलब इनो वरंगल इधर आने से पहले से हमारे वीडियो देखे, तभी मैं तुरंत पहचान लिया आप लोगों को। दैट मेक्स अस फील मोर स्पेशल। अच्छा दिखा भाई मिलके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली बार, अगर कंबोडिया आना हुआ भी वही बस हो गया। खाना खा लिया दबा के, कुछ भी दिखा भी नहीं सकते। एक तो रात है उसमें और कुछ हमारे पास है नहीं कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। यहाँ से हम लोग सीधा वापस घर जा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, अभी आप लोग को घर चल के कल शूट पे मिलता हूँ मैं, ठीक है? देन टेक केयर गाइस, ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, टर्न ऑन लाइव स्टोरी पोस्ट आईजीटीवी नोटिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।